हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। भिवानी दिनोद गेट चौकी पुलिस को आज उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब नशे का व्यापारी नशा बेचने के लिए ग्राहक के इंतजार में खड़ा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नशे के कारोबारी हालू मोहल्ला निवासी अजय को भुक्की व गांजे के साथ दबोच लिया। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये नशा लेने के लिए कौन आया था तथा ये नशा आखिर अजय बेचने के लिए कहां से लाया था। पुलिस का कहना है कि इलाके से नशे की खेप को समाप्त करना है, इसीलिए रेड मारी जा रही है तथा पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है। दिनोद गेट चौकी प्रभारी दशरथ कुमार को सूचना मिली थी कि हालू मोहल्ला निवासी अजय अपने साथी के साथ नशा बेचने के लिए दिनोद गेट चौकी इलाके में खड़ा है। पुलिस ने उसी समय अपनी टीम गठित की और उसे दबोच लिया। पुलिस ने उससे 480 ग्राम भुक्की व गांजा 261 ग्राम अपने कब्जे में लिया। चौकी प्रभारी दशरथ कुमार ने बताया कि युवाओं में नशे की लत ना बढ़े तथा युवा नशे से दूर रहे, इसके लिए पुलिस पूर्ण रूप से प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नशे के व्यापारी यहां ना रहे, इसके लिए पुलिस बार बार छापे की कार्रवाई कर रही है तथा इसी कड़ी में आज अजय नामक युवक को पकड़ा है। उन्होंने बताया कि पूरे महीने में ये रेड मारी जा रही है तथा 8 नशे के व्यापारियों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि नशे के इन व्यापारियों को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम भी बनाई गई है जो समय समय पर छापे की कार्रवाई कर रही है। गुप्त सूचना मिली थी कि अजय नाम का एक लड़का मूलचंद मंदिर के सामने गली में खड़ा है, जिसके पास नशीला पदार्थ है, उसके कब्जा से बरामद किया गया भुक्की और गांजा 480 ग्राम भुक्की और 261 ग्राम गांजा। जिस जगह से लेके आया था और जिसको बेचना था उसकी तफ्तीश जारी है। युवा पीढ़ी जो नशे की लत की तरफ जा रही है उसको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी संबंध में काफी लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नशा मुक्त इलाका करने की हमारी कोशिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।